मत्तेरे ते सुसमाचार उसके 13 अध्याय उसके 47 पद से लेकर 50 पद में वहाँ पर एक दृष्टांत देखते हैं। वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, और जब भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठ कर अच्छी अच्छी को बर्तनों में इकट्ठा किया और निकम्मी निकम्मी को फेंक दिया। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के खुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। मेरे प्रियो, आज प्रातः काल के समय में आपसे कहना चाहती हूँ, स्वर्ग का राज उस जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया, हर प्रकार की मछली को समेट के मछुए जब लेके आए और उसको अलग किया, जो अच्छे थे बर्तनों में रखा, जो निकम्मे थे उसको फेंक दिया। जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएंगे उस समय वो पापियों को धर्मियों से अलग करेंगे और पापी लोगों को उस आग के कुंड में जहां नरक है वहां पर डालेंगे और धर्मियों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। आज हमारे जीवनों को आज हमें परखना है कि आज हम धर्मी हैं या पापी के रास्तों में हम चल रहे हैं। कई बार हम धर्मी होकर प्रभु को जानकर परमेश्वर की संतान होकर जब हम अपने जीवनों में चलते हैं, कई बार ऐसे पाप हमारे जीवनों में है, हम परमेश्वर को प्रभु यीशु को धोखा देते हैं, अपने आप को अपवित्र रीति से अपवित्र पापों से हमारे हृदयों रखकर बहुत सारी बातें हम लेकर चलते हैं। लोगों की नजरों में हम धर्मी बनते हैं, लोगों के सामने हम बहुत अच्छे व्यक्ति बनकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएंगे उस समय प्रभु यीशु मसीह हमें कहेगा, हे दुष्ट, तू स्वर्ग के राज्य में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। आज प्रातः काल के समय में जो आप पवित्र रीति से भक्त होकर धर्मी होकर अपने आप को दुष्टता में लेके चलते हैं, अपने आप को निर्णय लेना है कि हम किस रास्ते पर है, क्या पाप के उस रास्ते पर है, परमेश्वर की संतान होकर क्या हम संसार के पाप के रास्तों में एक पापी की तरह हम जी रहे हैं, लोगों को परमेश्वर को क्या हम धोखा दे रहे हैं। आज हमें परखिएगा। आखिरी में परमेश्वर हमें हे दुष्ट करके नहीं कहना है, क्योंकि यदि हम उसकी संतान हैं तो जब परमेश्वर हमें अलग करेगा, एक अच्छा धर्मी होकर हमें अलग करेगा और हमें परमेश्वर के राज्य में जगह मिलेगा। यदि आज प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएंगे, आज कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग आप अपने हृदयों में ये विश्वास के साथ कह सकते हैं, यदि आज अभी प्रभु यीशु मुझे लेने आएगा, मैं वहाँ पर परमेश्वर के साथ में मैं मिलूंगा, परमेश्वर के साथ में मैं उठा लिया जाऊंगा। आज प्रातःकाल के समय अपने जीवन को परखिएगा और परमेश्वर के करीब में आकर निर्णय लीजिएगा कि मैं हमेशा पवित्र बनकर उसके जीवनों में आगे बढ़ते जाऊंगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करें।